हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपिका। जयस फैमिली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कच्चे कद्दू से बहुत ही टेस्टी कद्दू का हलवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने इधर पे हाफ के जी कद्दू लिया हुआ है, कच्चा वाला कद्दू लिया है। आप चाहें तो पका हुआ कद्दू भी ले सकते हैं। तो अब हम इसे काट कर छील लेंगे और अच्छे तरीके से इसे धो लेंगे, तो बहुत ही जल्दी पक जाएगा हमारा कद्दू। तो चलिए हम इसे काट लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो ऊपर का हिस्सा है, इसे हम काट करके अलग कर देंगे। तो हम इसे दो हिस्सों में कर लेते हैं और इसका छिलका निकाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी हलवा बन करके तैयार होगा हमारा। तो ये देख लीजिए, मैंने दो हिस्सों में काट करके अच्छे से इसे धो लिया है। अब हम इसे मोटे साइड से कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं इसे कद्दूकस करने के बाद। तो ये देख लीजिए, हमने कद्दूकस कर लिया है। तो कद्दू बहुत ही जल्दी पक जाने वाली सब्जी है। तो ये देख लीजिए, अब हम डालेंगे पैन में 1 चम्मच घी, देसी घी लिया है मैंने, और हमने जो कद्दूकस करके रखा है कद्दू उसे डाल देते हैं। डाल करके हम इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनेंगे। तो ये देख लीजिए, हमने कद्दू को 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब हम डालेंगे इसमें 1 गिलास दूध, और दूध सूखने तक इसे अच्छी तरह से पका लेंगे हम। तो आप इस हलवे को किसी भी व्रत में खा सकते हैं। तो ये देख लीजिए, काफ़ी हद तक दूध सूख चुका है और हमारा कद्दू भी अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी मीठे के अनुसार, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इधर पे 1 कटोरी चीनी का यूज किया हुआ है, देसी वाली शक्कर है ये। तो आप चाहें तो वाइट शक्कर ले सकते हैं या गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। तो अच्छे से हम मिला लेंगे, और शक्कर मेल्ट होने के बाद ये पानी रिलीज करेगा, तो हम इसे पानी सूखने तक अच्छे से पका करके तैयार करेंगे। तो ये देख लीजिए, पानी सूख चुका है। तो अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, आप अपने पसंद के अनुसार कर लीजिए। तो मैंने इधर पे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है। अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट हम और भूनेंगे। तो ये देख लीजिए, हमारा कद्दू का हलवा बनकर के तैयार है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, हमारा टेस्टी टेस्टी कद्दू का हलवा बनकर के रेडी है और बहुत ही टेस्टी यमी बनकर के तैयार हुआ है। आप लोग जब इसे घर पर बनाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि कितना टेस्टी लगता है। तो एक बार तो बनाना बनता है, तो आप लोग इसे किसी भी व्रत में खा सकते हैं।
तो चलिए, आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।